सब हम लोग स्कूल में अभी जाते हैं, हम लोग तो बहुत सारी चीजें ले जाते हैं अपनी माध्यम
उनके पास कुछ भी नहीं है, बस वो बैठे ऑटो में बैठी है तो वो हैंडबैग है उससे अपनी सुरक्षा उसके गले में फंसा कर कर सकती है, चुन्नी से कर सकती है। कुछ स्प्रे वगैरह भी है और सर ये भी होता है कि बच्ची और महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ संस्था ने एक क्रिएटिविटी क्लब भी बनाया हुआ है, उसमें ऐसी महिलाओं को ऐड किया जाता है कि जो जैसे कभी घर से बाहर नहीं निकली या उनको ये नहीं पता कि उनमें क्या गुण है, क्या विशेषता है, उनमें क्या रचनात्मकता है, क्या प्रतिभा है, तो उनको उनमें वो सृजनात्मकता लाकर उनको निखार लाकर उनमें एक आत्मविश्वास जगा के कि वो अपना स्वाभिमान भरा जीवन सशक्त होकर आत्मनिर्भर कर जी सके, यही सब हमारी संस्था का उद्देश्य है। आज मुझे आप सभी के समक्ष बोलने का अवसर मिला इसलिए मैं सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, में कार्य कर रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। मैं आशा एवं उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग अब मिलकर काम करेंगे, रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, हम लोग एक दूसरे के टच में बने रहेंगे। राइट, कुछ अभी मैं सुना कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर जियो यहाँ काम कर रहे हैं, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो गरीब शोषित वंचित वर्ग है, जितने भी हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं वो बाध्य हैं उनका एडमिशन करना, तो इसमें आप लोग पहल करिए, लोगों को आर्टिकलों का फॉर्म भरवाइए, 1 किलोमीटर की परिधि में जो भी विद्यालय रहेगा, यदि कोई विद्यालय है उसके 1 किलोमीटर की परिधि में जो भी निवासरत रहेंगे, जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे या राशन कार्ड धारक होंगे, वो विद्यालय बाध्य है उस बच्चे को आरटीई के तहत एडमिशन लेने के लिए। हर विद्यालय में 25% आरटीई एडमिशन अनिवार्य है, तो एक मुहिम के तौर पे आप लोग इसको स्टार्ट करें, आप लोगों के माध्यम से बात जाएगी, यदि एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसके लिए आप मुझे बताइएगा। ऐसे ही ईट के भट्टे हैं यहाँ पे, जो श्रमिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूर से करा दीजिए आप, ठीक। श्रम विभाग में पोर्टल है, पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करा देने पर से किसी भी सूरत में, चाहे दिव्यांगता हो या अकस्मात कोई व्यक्ति हो उन्हें सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ दिया जाता है, ऐसे मिलते हैं उस पैसे से उनके जाती है। आप लोगों का एक मैसेंजर के रूप में कार्य है, आप लोग कर भी रहे हैं और अच्छी तरीके से बेहतर करें, जो भी असिस्टेंस आपको गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है, यदि आप पहले उस विभाग जाते हैं और आपको सहयोग कर देता है तो अच्छा है, यदि नहीं करता है तो इन राइटिंग मुझे दे दीजिए। Thank you.